दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की ओर से चंबा जिला के चुराह हलके की थली पंचायत के पुंडेरका गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूक करने के साथ ही इनका लाभ उठाने को प्रेरित किया। उन्होंने निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार से जुड़ने की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में समग्र विकास हो रहा है। इस विकास के दम पर ही भाजपा वर्ष 2022 में मिशन रिपीट को कामयाब बनाएगी। इस दौरान ग्रामीणों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रचार सामग्री भी बांटी गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सुरक्षा पेंशन है, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 60 हजार लोगों से ऊपर हो गया और सरकार ने 1,50 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च कर दिया, तो वो किसको मिल रही है? हमारी माताएं बहनों को मिल रही है। वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हमारी माताओं को मिल रही है। मजदूरों का ध्यान रखा, मजदूरों की दिहाड़ी आज देखो कितनी पहुंच गई। आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा। सरकारी जो पांच साल का कार्यकाल था वो 3 साल में रेगुलर कर दिए। ये आप कंपटीशन के पहले क्या होता है, पार्शलिटी होती थी, अब जो है कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो बच्चा पास होगा उसको नौकरी मिलेगी। ये सारी चीजें जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। हमारी कॉरपोरेशन भी उनके आशीर्वाद से काम कर रही है, हमारी कॉरपोरेशन जो है उनके आशीर्वाद से काम कर रही है। हमने मिलजुल कर जो है काम करना है। हमारा ध्येय एक ही है कि गरीब से गरीब आदमी तक जो है सरकारी सहायता पहुंचे, गरीब से गरीब आदमी जो है सरकार का फायदा उठाए, कोई रह ना जाए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से कोई रह ना जाए। अब एक नई योजना शुरू की थी, आपने अखबारों में पढ़ा, शगुन योजना, ठीक है, आपने पढ़ा, जो हमारे जनरल के लोग हैं उनके लिए भी वो योजना लागू होती है, जो जनरल के लोग हैं उनके लिए भी योजना होती है। हमने समाज में विषमता नहीं फैलानी है, हमने सबको साथ लेके चलना है। अब जैसे हमारे जनरल के लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है शुरू किया, उसमें क्या है कि 60% जो है सब्सिडी है, उद्योग विभाग में 60% सब्सिडी मिलती है, तो जो ट्राइबल और एससी के लोग हैं उनको 4% और 6% का ब्याज पर वो है, और जो जनरल के हमारे लोग हैं उनको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है 60% की सब्सिडी, बहुत सब्सिडी होती है, 100 में से 60 रुपया उसका छूट है और 40 रुपये उन्होंने भरने हैं। तो समाज को समान रखा है ताकि किसी के मन में वो ना आए, खटास ना आए। हमने, हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई हम धर्म की बात नहीं करते। हम बोलते हैं कि हमने सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास जीतना है। हमारी सरकार आपकी सरकार है, हमारी सरकार गरीब ग्रुप की सरकार है, हमारी सरकार नौजवानों की सरकार है, हमारी सरकार महिलाओं की सरकार है। अब आपने देखा 33% जो है, अब तो 50 से भी ऊपर हो गया, हमारी माताओं को जो है पंचायतों में वो मिला है, आरक्षण मिला है। अब देखो हमारी कितनी बहनें जो है पंचायत प्रधान बनी है, बीडीसी मेंबर बनी है, हमारी देव की बड़ी बहन चेयरमैन रहे हैं। अब हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां आगे आ रही हैं, कोई जिला परिषद चेयरमैन बन रही है, कोई बीडीसी चेयरमैन बनी है, तो ये खुशी की बात है। हमारी बच्चियां आगे आ रही हैं, ठीक है, इससे समाज तरक्की कर रहे हैं ना, तो ये कैसे हुआ? ये सरकार ने पास किया कानून, ये जयराम ठाकुर ने कानून पास किया तब हुआ ना ये, अगर नहीं होता पहले तो कहां था ये। अब स्कूलों में बच्चों को में किताबें फ्री मिलती हैं, वर्दियां फ्री, दो दो वर्दियां फ्री मिलती हैं, तो कौन कर रहा है? ये जयराम ठाकुर कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था, ये आप इन चीजों का फायदा उठाओ। और जनमंच में मैं आपसे अपील करूंगा कि जनमंच जब भी, अभी तो कोरोना टाइम लगा हुआ था ना, तो उस वजह से डिले हो गया, जनमंच का कार्यक्रम डिले हो गया, लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जब ग्राम सभा हो, जब ग्राम सभा हो तो आप सब लोग जो है ग्राम सभा में जाए, ठीक है, और ग्राम सभा में जाना जो है बड़ा जरूरी है। ग्राम सभा में सबसे ज्यादा पैसा जो है, धन जो है, सरकार जो है पंचायत को दे रही है,
और पंचायत में आप प्रधान साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, ठीक है, आप कोई भी काम जो है पंचायत हेड में डाले और वो सारे काम होंगे, सड़कों का काम डाले, डिस्पेंसरी का काम डाले, जितने भी काम है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है पंचायत में, तो आप ग्राम सभा में जरूर जाएं और जनमंच में भी आप जरूर जाएं और झूठी शिकायतें ना करें, झूठी शिकायत कोई ना करे, सच्ची शिकायत करे, ताकि अधिकारी का भी टाइम व्यर्थ ना हो, जो नेता है हमारे, मंत्री हैं, विधायक हैं, स्पीकर हैं, जो भी है नेता हमारे, उनका टाइम भी बर्बाद ना हो, और सच्ची शिकायत पर जो है वो जो है अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो नपे जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, एक जनमंच में जाना है, दूसरा अगर गांव में कोई चीज हो जाती है, अनहोनी हो जाती है या कोई चीज घटना हो जाती है, तो आप 1100 नंबर पर शिकायत करें। अगर हमारी बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप 1100 नंबर पर वो करें, गुड़िया हेल्पलाइन चलाई हुई है, आप सबको पता है ना, सबको पता है। हमने लोगों को जागरूक करना है, हमारा मकसद क्या है, लोगों को जागरूक करना है, लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों को लोगों को पता हो, ज्ञान हो कि हमारे अधिकार क्या है, हमने किन चीजों के लिए लड़ना है, ये चीजें हमने लोगों को जागरूक करना है। और हमारा मकसद कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, हमारा मकसद और है नहीं कोई, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को गाइड किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है उस चीज का फायदा उठाए, ये हमारा मकसद है। आप हमारे निगम में सिलाई सेंटर खुलते हैं, कंप्यूटर सेंटर खुलते हैं, खड्डियां खुलती हैं, ठीक है, आप अपने, मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे यहाँ पर सेंटर खुलवाएं, सिलाई सेंटर खुलवाएं, कंप्यूटर सेंटर खुलवाएं, खड्डी खुलवाएं, ठीक है, और भी ब्यूटी पार्लर का सेंटर खुलवाएं, हम देने के लिए तैयार है। ये सारे काम जयराम ठाकर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, हम तो सिर्फ सिपाही हैं। चुराह के पुंडेरक गांव में बताई जनकल्याणकारी नीतियां,